नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एआई इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं नेमी चंद आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि अपन कंप्यूटर की क्लासेज जो रोज लेके आ रहे हैं, उसी के अंदर अपन नेक्स्ट आज क्लास देखेंगे टाइप ऑफ प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर के कौन कौन से टाइप होते हैं और प्रिंटर क्या यूज करता है, किस प्रकार कार्य करता है, वो चीज़ें इसमें अपन आज देखेंगे। तो पहला होता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब जो अपन लोग क्या करता है, सीपीयू से जो भी प्रोसेस डेटा है उसको आउटपुट करके अपने को रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करता है। जैसे प्रिंटर अपन को रिजल्ट आ गया यूनिवर्सिटी का, तो अपने साइट पर जाएंगे, साइट से उसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में प्रिंटर से उसको क्या करेंगे, आउटपुट के रूप में एक हार्ड कॉपी के रूप में अपने को मिलेगा वो। तो क्या करता है, एक आउटपुट, यानी कि आउटपुट देने का क्या है, डिवाइस है जिसके द्वारा अपन प्रिंटेड कॉपी प्रिंट की, यानी प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूम में अपने को प्रोवाइड करवाता है। प्राप्त होती है इसके द्वारा, इसका उपयोग परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। परमानेंट मतलब जो अपने को जैसे रिजल्ट को अपने को बाकी जो विषय में द्वारा अपने मांगे जैसे यूनिवर्सिटी तो उसको प्रोवाइड करने के लिए, या अपने को जैसे कोई जमाबंदी निकालनी है, नकल निकालना है आजकल राजस्व रिलेटेड, तो उसके लिए जो परमानेंट डॉक्यूमेंट को रखना है उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रिंटर का यूज करते हैं। वो जैसे नोट्स निकालने हैं उसके पढ़ने के लिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ प्रिंटर में पहले करेंगे, कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। इसको क्या किया गया है, तीन डिवाइड फैक्टर है इसके, कौन कौन से है। पहला है कैरेक्टर के आधार पर, यानी कि जो क्या करता है वो एक एक अक्षर को जैसे सी हो गया, एच हो गया, ए हो गया, इस प्रकार जैसे जैसे अपने इस बात के जैसे टी को छापेगा, वाई को छापेगा, ई को, तो एक एक करेक्टर को जो छापेगा वो क्या हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर, यानी एक एक करेक्टर को छापने वाला प्रिंटर क्या हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर आ गया। तो ये क्या हो गया, ये एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी करते हैं, यानी एक सीरियल यानी सिक्वेंस, एक 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 करेक्टर छापेगा, जैसे ए बी सी डी, जैसे अपन को ए बी सी डी छपवानी है, ए बी सी डी, तो ये इसको छपवाना है प्रिंटर को, जैसे मॉनिटर में ये है इसको छपवाना है अपने को, तो क्या करेगा, ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे छापेगा एक सीरियल के अनुसार, क्या करेगा, एक छाप के अपने को हार्ड कॉपी के रूप में प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या होगा, कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर 200 से 450 कैरेक्टर सेकेंड टाइप करता है, यानी एक सेकेंड के अंदर नॉर्मली 200 से 400 कैरेक्टर वो क्या करता है, छापता है, यानी इस पर हार्ड कॉपी के रूप में जो प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या करेगा, एक सेकेंड के अंदर अपने को 200 से 450 के बीच में ये कैरेक्टर छाप देगा। फिर दूसरा है लाइन, यानी कि एक लाइन जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, ये एंड होगी एक लाइन, ये एक लाइन एंड होगी, तो ये जो लाइन है यानी पूरी पूरी जो एक लाइन छापता है वो प्रिंटर कौन सा हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया। तो दूसरा एक नंबर का तो ये हो गया, दो नंबर का लाइन प्रिंटर हो गया। तो लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, ये तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 कैरेक्टर मिनट प्रिंट करता है, ये क्या करता है, 200 से 2000 कैरेक्टर एक मिनट में क्या करता है, प्रिंट करता है। फिर आ गया पेज प्रिंटर, यानी पूरे पूरे पेज को प्रिंट कर देगा, एक तो जो कैरेक्टर हो, एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, फिर दूसरा एक लाइन को प्रिंट करेगा, और तीसरा क्या करेगा, एक जो पूरा पेज होगा डायरेक्ट उसी को प्रिंट करेगा। तो ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है, ये विशाल डाटा को प्रिंट करने में सक्षम होता है, यानी एक साथ एक तो एक कैरेक्टर को प्रिंट करे धीरे 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 धीरे, उसको टाइम ज़्यादा लगा उसी, दूसरा एक लाइन को प्रिंट करे, फिर एक तीसरा है कि उसको पूरे पेज को एक साथ प्रिंट कर दे, तो सबसे कम कौन सा टाइम लेगा, ये अपना पेज प्रिंटर लेगा। तो तीन प्रकार के हो गए, पहला अपन देखेंगे कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर, ये तीन टाइप हो गए टाइप ऑफ कंप्यूटर में प्रिंटर में, सॉरी प्रिंट प्रिंट करने के तरीके के अनुसार, यानी जो अपन प्रिंट करते हैं कि किस प्रकार के टेक्निक्स यूज करता है वो प्रिंट करने के लिए, ये तो नॉर्मली जो प्रिंट करता है वो एक प्रिंट करने की जो तकनीक यूज करता है सामान्य ये बोल सकते हैं तरीके के अनुसार, उसके अनुसार दो प्रकार के हो गए। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे किसी को आघात या चोट पहुंचा कर कोई प्रिंट करता है तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। नॉन एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे नंबर का ऐसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो क्या करेगा, बिना किसी आघात के, यानी किसी को चोट, यानी कि जैसे अपन किसी हथौड़े के हैमर से चोट पहुंचा के किसी को जैसे पत्थर के अपन को निशान करना है, तो किसी हथौड़ी छीनी से उसको आवाज वो मार के और फिर उसके अंदर अपन जो भी कोई आकृति करनी है वो देते हैं, तो उसी प्रकार की भी कोई अक्षर वगैरह छापना है तो वो क्या करेगा, हैमर्स का यूज करेगा,
यानी कि उस पर प्रेशर का या दाब का या हथौड़ी से उसको चोट पहुँचा के वो प्रिंट करेगा, तो उसको बोलते हैं इफेक्ट प्रिंटर, यानी कुछ ना कुछ मार के चोट करके और प्रिंट करना, तो इफेक्ट प्रिंटर हो गया। दूसरा नॉन इफेक्ट, यानी बिना किसी चोट या आघात के प्रिंट करे, उसे नॉन इफेक्ट में डाल दिया। तो ये दो है। इसके अनुसार क्या है, ये कागज रिबन का कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर, यानी कि क्या क्या हो गया, कागज रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डाटा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी इम्पैक्ट में भी अलग अलग टाइप हो गए। पहला हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, दो तो ये आ गए। अब इसमें जैसे पहले अपन बात करें डॉट मैट्रिक्स, ये क्या करता है, जैसे सामान्यतः अपन जैसे एक हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल में जैसे अपन एक एडमिट की पर्ची बनवाई, तो जो अपन को पर्ची बना के देगा जिस प्रिंटर से, वो सामान्यतः कौन सा होगा, डॉट मैट्रिक्स। उसमें जो पर्ची बनी हुई है वो कैसे आएगी, जैसे मान लो नाम आएगा अपना, वो ऐसा आएगा, यानी डॉट्स की फॉर्म में आएगा। लेकिन चोट पहुंचाएगा हैमर के द्वारा, यानी कि जो चोट पहुंचाएगा वो हैमर से पहुंचाएगा। एक हैमर होता है, हथौड़े टाइप का होता है, जो क्या करेगा, एक बारीक बारीक क्या करेगा, मैट्रिक्स बनाएगा, बारीक बारीक मैट्रिक्स बना के, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे करना है, फिर थोड़ा कह सके यहाँ पे करेगा, फिर यहाँ पे जैसे ये नाम बनाए डॉट से, डॉट से मिलकर क्या करेगा, ये मैट्रिक्स बनाएगा, और उस मैट्रिक्स के द्वारा क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा कैरेक्टर को, तो वो क्या गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। फिर ये कहता है डेजी व्हील, डेजी व्हील मतलब एक फूल की आकृति का वीर, यानी चक्रा एक तरह से ऐसा हो गया। इसमें क्या हो गया, जैसे एक यहाँ पर आएगा, एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, एक कैरेक्टर जैसे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी हो गया, डी हो गया, तो जैसे जैसे ए को छपाना है तो ये वी घूमेगा, फिर ए को जैसे एक हथौड़े टाइप का होगा तो वो क्या करो, उस पर जो अपना लगी हुई सीट पेपर की उस पर मार गया, और मारने के बाद में क्या होगा, ए इसमें छप जाएगा, फिर जैसे डी हो गया तो डी आवश्यकता है उस पर, तो डी की वो हैमर की, यानी कि थड़े की तरह मारेगा पेपर पे और वो प्रिंट हो जाएगा डी। तो इस प्रकार जैसे ए हो गया, डी हो गया, सी हो, जैसे भी अपन को लाइन में उसको कमांड मिली प्रिंटर को, वो बार बार घूम के व्हील की तरह और उस पर मारता जाएगा पेपर पे, यानी पेपर पे ऐसे जैसे अपने कॉपी ऐसे व्हील हो गया, तो वो जैसे ए छपाना है एक हो गया, फिर घूम के जैसे बी आ जाएगा तो ऐसे बी को करेगा, फिर डी को करेगा, सी को करेगा, ऐसे जैसे जैसे वो होगा वो घूम घूम के जैसे भी करेक्टर मिला है उसको, उसके अनुसार वो क्या करेगा, पूरे करेक्टर को प्रिंट कर लेगा। दो हो गए इसमें डॉट मैट्रिक्स और डेजी भी, जो कि इसका थोड़ा सामान पे यूज का अपन कम लेते हैं। अभी आगे देखते हैं, अब दूसरा होता है नॉन इफेक्ट प्रिंटर, यानी बिना किसी आघात के। ये क्या करते हैं, जो पहले वाले थे इम्पैक्ट प्रिंटर, वो क्या करते हैं, आवाज भी ज्यादा करते हैं और इसके साथ इसमें थोड़ी क्वालिटी भी की थोड़ी कम होती है। इसके साथ ही इसमें नॉन इफेक्ट प्रिंटर में क्या होती है, ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं, बिल्कुल कोई आवाज नहीं करते, इसमें हेड कागज पर चोट नहीं करता। इसमें ऐसा नहीं कि जैसे ये हो गया, जैसे ऐसा करते वो क्या करेगा, प्रिंट हेड से ऐसे उसको चोट पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सामान्यतः क्या करते हैं इफेक्ट प्रिंटर, नॉन इफेक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा इंक जेट प्रिंटर, दूसरा होगा लेजर प्रिंटर, फिर थर्मल प्रिंटर। अब इसमें क्या होता है, इंक जेट प्रिंटर में क्या होता है, ये जो लिक्विड शेल होती है अपन उसका यूज करता है, लिक्विड शेल का जो बारीक बारीक बूंदों के रूप में क्या करता है, स्प्रे करता है, अलग अलग जैसे कलर्स वगैरह के लिए बारीक बारीक बूंदों के रूप में क्या करेगा, स्प्रे करेगा, और स्प्रे से जो क्या होगा उसका कैरेक्टर प्रिंट होगा, तो वो क्या करेगा इंक जेट प्रिंटर में आएगा। एक होता है लेजर प्रिंटर, ये क्या करेगा, प्रिंट के लिए लेजर किरणों का यूज करके और उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, तो ये क्या हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। फिर होता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर का मतलब क्या होता है, एक हीटेड पिन का यूज करता है, जो उस कागज के अंदर जैसे अपने सामान्य जैसे सीटी बस होती है उसके अंदर क्या करते हैं, सीटी बन में जो उसके पास एक मशीन होती है, जैसे अपने को टिकट लेनी हो तो वो मशीन में जाएगा और अपने को जैसे जाने हैं उसकी टिकट बोलेगा कहाँ जाना है क्या करना है, तो उसका पैसे दिए अपने, उसने टिकट निकाली, तो टिकट निकालते हैं वो क्या हो गया, कुछ समय बाद में उस टिकट को अपन जेब में रखेंगे और वो क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी पूरी, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो पेपर लगा होता है उसी में एक हीटेड
बिंदु इसके अंदर होती है मशीन के अंदर, और जो पेपर आता है उसी के अंदर कार्बन का यूज किया जाता है एक तरह से सामान, तो उससे क्या होता है ये उसी टेट पिन से क्या होता है उसमें प्रिंट होता है बस। वो जैसे वो कागज से अपन बैग वगैरह में डालना है या फिर जेब में डालते हैं तो कुछ समय बाद में वो जो प्रिंट किया वो साफ हो जाता है। तो ये क्या होता है थर्मल प्रिंटर, जो सामान बसों वगैरह में या चालान काटने में जिसका यूज किया जाता है वो किससे किया जाता है, उसका थर्मल का किया जाता है। और इंकजेट का क्या किया जाता है, जैसे अपन सामान्यतः यूज कर रहे हैं जैसे लिक्विड से किसी भी अगर प्रिंटर में कोई डाल रहा है तो वो क्या हो गया इंकजेट प्रिंटर हो गया। और यदि वो इंकजेट नहीं डाल के जैसे सूखी से वगैरह ये डाल रहा है तो वो क्या हो गया लेजर प्रिंटर। और सामान्यतः जो वर्तमान में जो यूज हो रहे हैं वो अधिकतर लेजर प्रिंटर यूज हो रहे हैं, और अपन थर्मल प्रिंटर जो बस वगैरह में या किसी को चालान काटते जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले तो वो किसे करते हैं थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। अब जैसे आगे आ गया एक दूसरा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, ये ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। ये आप जानते हो सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं कुछ लोग, कुछ कम करते हैं। और अब देखते हैं अपन आगे मेन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी ये तो थे एक्सटर्नल पार्ट भी और अब है इंटरनल यानी अंदर के पार्ट, जो सीपीयू जो कैबिनेट बना होता है बॉक्स का उसके अंदर जो क्या क्या होते हैं, यानी जो एक बॉक्स का बना होता है इसमें इस प्रकार के कुछ डीवीडी राइडर हो गया, फ्लॉपी डिस्क का सिग्नल हो गया, कुछ पावर के बटन हो गए यहाँ पे ऊपर आते हैं किसी के, वो कैबिनेट डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ ये पीछे जैसे बॉक्स वगैरह पोर्ट्स वगैरह हो गए। तो ये हो गया उसका जो सीपीयू के इंटरनल यानी इसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो। तो अपन पहले बात करते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जैसे आप सामान लेते हैं मोबाइल है, वो मोबाइल जैसे कोई खराब हो गया या कुछ और हो गया तो उसको जैसे अपन खोलते हैं तो खोलने के बाद में जो एक फाइबर का एक बड़ा सा होता है सर्किट सा बना होता है जिसमें बारीक से रेसे से होते हैं अंदर अपने को दिखते हैं ऐसे अलग अलग, और एक आईसी चिप सी लगी होती है खूब सी, उसके साथ इसमें बैटरी भी कनेक्ट होती है, डिस्प्ले भी उसमें आग लगती है, सोल्डिंग करते हैं वो आग ला के, तो जिस पे वो लगती है पूरी एक फ्लैट पे जो फाइबर का सा बना होता है वो क्या होता है मदरबोर्ड होता है। तो अपन मदरबोर्ड की इसकी डिटेल देखते हैं आगे, ये एक प्लास्टिक का बना हुआ एक सर्किट बोर्ड होता है यानी सर्किट से होते हैं इसमें अलग ऐसे जैसे रेसिस होते हैं, वो रेसिस से क्या होता है एक सर्किट बना होता है लाइट का, जिस धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं, इन धागों के जैसे इस धातु की संरचना को बस करते हैं यानी जो होती है वो लाइट लेके जाती है या कुछ डेटा ट्रेवल करके लेके जाती है तो वो क्या होती है बसें होती हैं। एक कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है यानी मेन कंपोनेंट होता है जो क्या होता है सभी को एक जगह कनेक्ट करके रखता है, जैसे बैटरी होगी डिस्प्ले होगी फोन में, तो उसी प्रकार ये भी क्या करता है उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और जो भी अलग हार्ड डिस्क रैम वगैरह जो भी है वो सारे आप इसी से कनेक्ट होते हैं पूरे एक कंप्यूटर के मुख्य भाग है जिसके द्वारा कंप्यूटर के अन्य पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, जैसे अपने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद में जैसे अपन सीपीयू अपन तो सामान्य क्या समझते हैं जो कैबिनेट का ये होता है एक बना हुआ उसी को अपन सीपीयू बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये सीपीयू नहीं होता, इसके जो अंदर जो अपन अंदर जैसे खोलते हैं खोलने के बाद में जो ये मदरबोर्ड होता है चिप सा वो बना होता है चिप के रूप में जो होता है उस पे जो सर्किट बोर्ड पे एक फैन सा लगा होता है, मतलब एक अलग से फैन लगा होता है, उसके नीचे चिप होती है वो क्या होती है उसका सीपीयू बोलते हैं उसको, किसको जो फैन के नीचे होती है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड के बाद में जो फैन लगा होता है उसके पास में लगी होती है सीपीयू, तो उसको अपन सीपीयू बोलते हैं जो मेन काम करती है वो करती है उसी को अपन सीपीयू बोलते हैं। जो कैबिनेट होता है वो सामान्य सीपीयू नहीं होता, उसमें हार्ड डिस्क वगैरह ड्राइवर वगैरह वो सारे होते हैं उसको अपन कैबिनेट बोलते हैं, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं प्रोसेसर, क्योंकि ये काम क्या करता है मेन प्रोसेसिंग का काम करता है, और इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं जो क्या करता है मेन कैलकुलेशन करना उनका क्या डिसीजन उनके पे डिसीजन लेने का काम करना वो सारा काम कौन करता है प्रोसेसर ही करता है। ये पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रण करता है, ये कंप्यूटर की सबसे मेन यूनिट होती है, क्योंकि ये काम ही यदि जैसे अपने इंसान की बात करें इंसान का जैसे माइंड होता है कैलकुलेशन करने के लिए या उनको एनालिसिस करने के लिए, तो यदि वो ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या होता है एक सीपीयू एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं जो क्या काम करता है यानी कि कैलकुलेशन करने का काम करना, उसकी कंट्रोलिंग करने का काम, उसके साथ डेटा के साथ कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम, ये कौन कौन करता है सीपीयू इसको क्या करता है करता है।
इसके अंदर जो अपनी सीपीयू है उस सीपीयू को भी अपन क्या करेंगे अलग अलग पार्ट्स में तीन भागों में बांट दिया। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और तीसरा एमयू यानी मेमोरी यूनिट्स। तो पहला होता है कंट्रोल यूनिट, ये क्या करेगा अलग अलग जो भी कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरा है अपना एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो क्या करेगा गणना करने का काम करेगा, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह जो भी प्रोसेस के लिए आवश्यक करेंगे। और तीसरा है मेमोरी यानी कि जो स्टोर करने का काम करेंगे। तो अपन देखते हैं इसमें सी यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो भी इंटरनल यानी आंतरिक बाहर की आंतरिक जो भी प्रोसेस होगी उसको क्या करेगा कंट्रोल करेगा। ये कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी जैसे किससे इनपुट लेना है आउटपुट किसको देना है उसको कंट्रोल करने का। ऐसा नहीं कि जैसे इनपुट को ले रहा है प्रिंटर से और आउटपुट दे रहा है जैसे अपने को उस पर दे रहा है स्कैनर पे, तो ऐसा उल्टा नहीं करेगा। यानी कि सीधा जैसे अपने जैसे इनपुट माउस से ले रहा है तो आउटपुट डिस्प्ले मॉनिटर को करेगा। तो ये एक्टिविटी कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट एक है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो इसको क्या करेगी कंट्रोल करती है। जो डेटा कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर में इनपुट कराया जाता है सबसे पहले एयू के पास जाता है, यानी इसी के पास जाएगा यानी कंट्रोल होने के लिए। फिर एयू सॉरी सीयू सीयू के पास जाता है और सीयू इसे एयू के पास देता है, यानी सीयू यानी कंट्रोल यूनिट उसको लेगा फिर एयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगा। यानी पहले सीयू के पास जाएगा फिर एयू एयू उसके पास जाएगा फिर अपन को वापस में क्या रहेगा स्टोर करना, तो स्टोर के पास जाएगा या फिर अपने को बाद में आउटपुट में दिखा देगा। फिर आता है दूसरा यूनिट एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये यूनिट कंप्यूटर की सभी प्रकार की अर्थमेटिकल लॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने का कार्य करती है। सभी प्रकार के जैसे ऐड हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया डिविजन हो गया आदि को परफॉर्म करने का कार्य एएलयू द्वारा किया जाता है। तो ये क्या करेगा कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिकल यूनिट और मेमोरी। अब तीसरा क्या करेगा ये कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है, यानी जैसे हार्ड डिस्क हो गई वो स्टोर करने के लिए, कुछ प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर होते हैं उसमें भी स्टोर होता है, तो अपने को इतना नहीं जाता आगे जाना नहीं है। और मेमोरी में ये कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है जो कंप्यूटर की एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये पर डेटा इंफॉर्मेशन और एक प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो अपने एप्लीकेशन वगैरह चलाते हैं वो कहाँ पर चलते हैं इसी पे चलते हैं, यानी मेमोरी होती है उसी पे अपना जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा है वो यहीं पे चल रहा है। टाइप ऑफ मेमोरी, अब इसमें टाइप ऑफ मेमोरी मेमोरी के भी टाइप हैं कौन कौन से हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मतलब द्वितीय मेमोरी है इसका अनु। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है और सेकेंडरी कौन कौन सी है हम देखते हैं आगे। प्राइमरी मेमोरी इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं जिसे दो भागों में बांटा जाता है, यानी प्राइमरी मेन मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर यूज होती है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर अपन को दो भागों में बांटा है रैम और रोम, यानी रैम का मतलब है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो पहला होता है रैम, ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी स्थायी नहीं होती, इसको अपन क्या कर सकते हैं रैम को हटा सकते हैं वापस लगा सकते हैं, जैसे अपन कैबिनेट को खोल के उसको मदरबोर्ड होता है जो बना होता है वो फाइबर का उस पर परमानेंटली इंस्टॉल नहीं रहती है, ये क्या होती है इसको अपन हटा सकते हैं दूसरी रिप्लेस करके लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इससे। तो ये क्या होती है अस्थायी मेमोरी होती है, जो भी डाटा इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट करा जाता है सबसे पहले रैम में जाता है यानी रैम के पास जाएगा, फिर सीपीयू द्वारा डाटा प्रोसेसिंग के लिए रैम डाटा आवश्यकता अनुसार लिया जाएगा, यानी रैम उसको क्या करेगी होल्ड करेगी, जो भी हम डेटा देंगे यानी कीबोर्ड माउस से एंटर करेंगे वो उस रैम में स्टोर रहेगा उस समय के लिए, और जब अपन प्रोसेस के लिए आवश्यकता होगी प्रोसेसर को यानी जो कंट्रोल कंट्रोल और एएलयू जो यूज करेगी एएलयू उस डेटा से कितना लेगी कितना नहीं लेगी तो वो क्या रहेगा उस समय के लिए जो डेटा को होल्ड करके रहेगा वो कौन रखेगी रैम रखेगी, जिससे अपन को भी एप्लीकेशन चला रहे मोबाइल के अंदर जैसे ऐप हो गया यूट्यूब हो गया जैसे फेसबुक का कोई ऐप अपन चलाते हैं तो चलाते ही जैसे ही वो खुलता है खुलने के बाद में जो क्या होगा वो रैम में रहेगा, और रैम में रहने के बाद जैसे प्रोसेसर को कितनी आवश्यकता है उसको तो वो उसके अनुसार कुछ डाटा लेगा कुछ दे देगा कुछ लेगा कुछ दे देगा, लेकिन वो मेन रनिंग में जो भी एप्लीकेशन चल रहा है उसको स्टोर रखेगा रैम रखेगी उसको। तो उसी प्रकार क्या है
रैम ये क्या करेगी, डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखती है, स्टोर करती है अस्थायी तौर से, यानी क्या करती है परमानेंट नहीं कर सकती। जैसे कोई एप्लीकेशन खुला तो उसी को होल्ड करके रखेगी कुछ समय के लिए, मेमोरी के लिए उसको आवश्यकता प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद में जैसे हम उस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे वो अपनी मेमोरी को एप्लीकेशन पूरा रिलीज कर देगा और मेमोरी फ्री हो जाएगी रैम, यानी अस्थायी करती है कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट उसी रैम में। कोई ऐप खोले जैसे ओपन किया उसने और ऐप ओपन करते ही वो उस रैम में परमानेंट के लिए रह गया, ऐसा नहीं होता उसमें। अर्थात जब एक कंप्यूटर पावर सप्लाई देती है तब तक डेटा उपलब्ध रहता है, जैसे कि पावर स्विच ऑफ कर दिया जाता है। अब जैसे अपन क्लोज कर दिए एप्लीकेशन को तो वो क्या हो गया, वो सेट गया। जैसे अपन कंप्यूटर की बात करें, फोन की बात थी, तो जैसे कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चल रहा है, मान लो बाई चांस लाइट चली गई, लाइट जाते ही क्या होगा, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि वो नहीं रहेगा उस रैम में, रैम से हट जाएगा पूरा। तो ये होगी अस्थायी मेमोरी पहली। जैसे ही पावर स्विच हो गया वो हट गया, अतः इसे वोलेटाइल, यानी कि जो वोलेटाइल को मतलब है जो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं रख सकती, यानी जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे अपन तो वहाँ तक वो स्टोर रखेगी और उसके बाद में हटा देंगे। टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, यानी टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोर करती है तो टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। रैम अलग अलग कैपेसिटी में उपलब्ध है, जैसे रैम 16, 32, 64, 128, 256 और 512, ये उसकी साइज है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपन को ऐसा मान से कुछ भी जैसे 16, 32, 64 लिख देंगे एक या दो जैसे उदाहरण के रूप में। अब आता है टाइप ऑफ रैम, रैम के कितने टाइप, और इसी के रैम के भी टाइप है, जैसे डायनेमिक रैम होगी, स्टेटिक रैम होगी, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट होगी, फिर आगे जैसे सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम होगी, फिर आती है DDR रैम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम होगी। तो ये जिसके पांच टाइप है मैं, यानी कि डायनेमिक रैम, स्टेटिक रैम, एक्सटेंडेड डायनेमिक डेटा आउटपुट और सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम और डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम। तो ये उसके पांच टाइप हुए रैम के, मुख्य बात इसमें अस्थायी मेमोरी और क्या हुई ये डेटा को समय के लिए होल्ड करके रख सकते। अब चलते हैं रोम पे। रोम अपन बात करें तो रोम में क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है, यानी परमानेंट की यदि अपन जैसे उसमें तो रैम में तो कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते, लेकिन इसमें अगर अपन को स्टोर रखना है तो उसमें क्या होगा, परमानेंट जो भी प्रोग्राम है वो स्टोर होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा परमानेंट रहेगा। इसमें डेटा को प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर रखते हैं, डेटा रैम डेटा स्टोर को कंप्यूटर द्वारा केवल रीड किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे अपन एक एप्लीकेशन खोल के दूसरा एप्लीकेशन खोल सकते हैं, तीसरा खोल सकते हैं, ऐसा नहीं। इसमें एक केवल एक बार कोडिंग होने के बाद में एक ही जो इसको इंस्ट्रक्शन मिले हैं उस प्रोग्राम के अनुसार वो उसी प्रकार कार्य करेंगे, अन्य किसी प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। तो ये क्या है परमानेंट स्थायी, एक बार कुछ इसमें कोड या प्रोग्राम डल गया इस मेमोरी में तो उसी के अनुसार कार्य करेंगे, दूसरे प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। जरूरी प्रोग्राम्स इसके मैनुफैक्चरिंग के समय ही इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन जब ये बनती है तभी इसमें इंस्टॉल की तरह कर दिए जाते हैं जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो। रैम के अंदर स्टोर प्रोग्राम को BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। अब इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनके क्या कहते हैं, BIOS कहते हैं। BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो क्या करते हैं जैसे अपने को रैम सामान्यतः उपयोग कहाँ होती है, जो अपन CPU ऑन करते हैं उस समय इसका यूज किया जाता है रोम का। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पर रोम में स्टोर प्रोग्राम डिलीट नहीं होते, यानी इसमें एक चीज़ है कि स्थायी परमानेंट मेमोरी होती है प्लस नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये परमानेंट डाटा को स्टोर रख सकती है, चाहे लाइट आए चाहे नहीं आए, क्योंकि इसमें स्थायी रूप से प्रोग्राम स्टोर होते हैं, रैम को नॉन वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डाटा परमानेंट स्टोर रहता है, चाहे लाइट आए चाहे न लाए। इसमें क्या है तीन टाइप की होती है, पीरोम ईपीरोम ईपीरोम। पहला होता है पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसके तीन टाइप हो गए, और ये हुई रैम। रैम यानी परमानेंट मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और इसका जो इस प्रोग्राम स्टोर करते हैं उनको BIOS जो क्या करते हैं कंप्यूटर को ऑन करने के या स्विच ऑफ होने पर भी प्रोग्राम होते हैं उसको क्या करते हैं स्टोर करके रख सकते हैं, और ये क्या होती है नॉन वोलेटाइल होती है। इसके तीन चार महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो मदरबोर्ड चिप के लिए पे तो
कनेक्ट होती है, लेकिन इसको डाटा में यदि अपने को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो उसके लिए सेकेंडरी का यूज करते हैं, जो मेन काम कम करती है, यानी जो प्रोसेस करना हो गया, उसको सीपीयू को स्टार्ट करके चालू रखने का काम हो गया, कुछ एप्लीकेशन रन करने का काम हो गया, वो काम कम रखती है। और उसके बाद में जो अदर काम है, जैसे परमानेंट अपन किसी को डाटा को कहीं लेके जाना है, ये उसको स्टोर करके परमानेंटली कुछ समय के लिए रखना है, उसके लिए सेकेंडरी का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव होने के बाद सेकेंडरी में पहुंच जाता है, ये दो प्रकार की होती है। अब पहला है इसमें मैग्नेटिक डिवाइस और ऑप्टिकल डिवाइस, यानी दो प्रकार की सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस हैं, इसमें मैग्नेटिकल और दूसरी होती है ऑप्टिकल। यानी मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की जिसमें यूज किया जाता है वो मैग्नेटिक डिवाइस हो गई, और ऑप्टिकल डिवाइस इसमें ऑप्टिकल का यूज किया जाने वाला ऑप्टिकल हो गई। मैग्नेटिक डिवाइस में इस डिवाइस के अंदर कंप्यूटर में निम्न पार्ट आते हैं, जिसमें एस हार्ड डिस्क हो गई, जैसे एच डी डी बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो अपन क्या करते हैं डाटा को स्टोर करने का काम करती है, एस डी डी हुई। फिर दूसरी होती है एफ डी डी, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी एक हार्ड डिस्क की तरह पहले जो संबंध यूज होती थी वो फ्लॉपी होती थी, वो क्या होती थी हार्ड डिस्क की तरह होती थी, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम होती थी, वो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इससे अलग होता। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क एक डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें लार्ज अमाउंट यानी अधिक मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये डाटा डिजिटल रूप में एनकोडेड डाटा के चुंबकीय सतह वाले घूमने वाले प्लेटर्स द्वारा तेजी से स्टोर करता है। हार्ड डिस्क सामान्यतः 40, 80, 160, 250, 320, 500 GB में उपलब्ध होती है। और दूसरा है ऑप्टिकल डिवाइसेस, इस डिवाइस के अंदर कंप्यूटर के निम्न पार्ट, जैसे अपन बोलते हैं सीडी रोम, जो क्या करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे सीडी आती है गोल्ड, आप जानते हो कैसेट वगैरह, तो उसी वही है सीडी रोम। फिर है सीडी राइटर, दूसरा है डीवीडी रोम, और चौथा है डीवीडी राइटर। ये क्या है सीडी और डीवीडी दो कैसेट के प्रकार हैं, एक है रोम और एक है राइटर। इसमें एक में अपन रीड करते हैं और एक में रीड और राइट दोनों, यानी लिख भी सकते हैं उसमें दोबारा मिटा के, और उसको क्या कर सकते हैं फंड भी सकते हैं। लेकिन जो रोम है उसमें केवल अपन रीड कर सकते हैं, और ये चारों एक प्रकार से हैं। अब इस पीडीएफ में एक बार देख लेना, और चारों का एक ये भी एक बार सीडी रीड आएगा तो रोम आ जाएगा, यानी रीड करनी है तो, और यदि लिखना वो दोनों है, यानी फट भी सकते हैं दोबारा मिटा के वापस लिख सकते हैं पेन ड्राइव में करते हैं, तो वैसे करना है तो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, और वैसे ही डीवीडी है छोटा है। अब इसकी जैसे फ्लॉपी डिस्क की सामान्यतः यूज करते हैं अपन 144 जो मोस्टली यूज होती है फ्लॉपी, और फिर से सीडी, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है, और 700 MB अपन इसको यूज करते हैं मोस्टली पहले, और डीवीडी अभी यूज करते हैं, और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है जो 4.7 GB की सामान्य मार्केट में उपलब्ध होती है, इससे कम या ज़्यादा ही होती है, लेकिन मोस्टली जो यूज होती है वो यही होती है। अब यूनिट ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, जैसे मेमोरी जो स्टोरेज यूनिट होती है उसको किस प्रकार की मेजर किया जाता है कि कौन कौन सी KB होगी, BB होगी, MB, GB, तो उसको अपन यहाँ पे यूनिट में देखते हैं। इसी यूनिट में अपन पहले पहले आ जाएगा बिट, यानी कि कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टोर की यूनिट होती है वो होती है बिट, यानी एक बिट। तो वो क्या हो गई सबसे कम, यानी बिट, यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई स्टोर की। फिर होती है निब्बल, निब्बल होती है 4 बिट, यदि ये 4 बिट कर दे एक जगह तो ये क्या बन जाएगी निब्बल बन जाएगी, ठीक। फिर यदि बाइट की बात करें, यानी कि पहले बिट निब्बल फिर बाइट, तो बाइट क्या होगी 8 बिट, यानी 8 बिट एक जगह कर दे तो क्या हो जाएगा एक बाइट बन जाएगी 8 बिट। ये बिट है और ये बाइट है, ये 8 बिट, यानी ऊपर वाले 8 बिट कर दें तो बाइट हो जाएगी, और फिर यदि 2 निब्बल कर दें तो ये क्या हो जाएगी बाइट बन जाएगी, यानी 4 और 4 8, यानी पहले क्या हो जाएगा बिट, बिट के बाद में सबसे छोटी यानी स्टार्टिंग यूनिट बिट, बिट के बाद में आ जाएगी निब्बल, निब्बल किससे बनेगी 4 से बनेगी, 4 के बाद में अगर 2 नहीं है यानी 8 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी बाइट बन जाएगी। फिर बाद में आता है KB यानी किलोबाइट, यानी 1024 बाइट, यानी 1024 ये 1024 बाइट हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो 1 KB बन जाएगी, जो अपना नेट चलता है KB में, तो उसके अनुसार ये क्या जाएगी 1024 बाइट होते हैं 1 KB में चला जाएगा। फिर KB से जैसे 1024 KB हो जाएगी यहाँ पे,
तो ये क्या हो जाएगा, एमबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सामान्यतः कभी कभी एमबी में भी चलता है नेट होना, जैसे 5G वगैरह हो गया वो, और जैसे अपन 1024 एमबी में जाएंगे तो एमबी में जाते ये क्या हो जाएगी, 1024 इक्वल टू 1 GB बन जाएगा, यानी जीबी का मतलब गीगाबाइट और एमबी का मतलब मेगाबाइट हो गया, केबी का मतलब किलोबाइट हो गया और टीबी का मतलब टेराबाइट हो गया। तो ये 1024 GB हो जाएगी ना, वैसे टीबी हो जाएगा। इससे आगे भी होता है, जैसे पेंटाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, ये टेराबाइट तो देखा है, गेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, लेकिन इतना नहीं देखना अपने को, तो ये 5-6 है वही देख रहे हैं, बिट निबल बाइट केबी एमबी जीबी और टीबी, ये दो तो सामान्यतः अपने यूज में मोबाइल वगैरह में भी लेते हैं, और जो 3 बच गए वो देख रहे हैं, और एक दो नीचे वाले बस। एक है SMPS, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्विचड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, कंप्यूटर को जो अलग अलग कंपोनेंट को जितनी जितनी पावर की सप्लाई है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, बेसिक और कुछ नहीं। इसमें कैबिनेट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीडी रैम आदि में पावर सप्लाई का कार्य कौन करता है, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो ऊपर ऊपर कैबिनेट में लगा होता है, जिसके पीछे एक फैन सा लगा होता है, वो काम करता है कौन, SMPS। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट की जो ऑनलाइन क्लास है आपको जो कंप्यूटर के लिए प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए मैं विजेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो आपके लिए इतनी हेल्पफुल क्लासेस चल रही है, और जो भी अलग अलग जिस राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, कोई जोधपुर से, कोई बीकानेर से, कोटा से, तो उनके जो भी फर्स्ट सेम में है, किसी के थर्ड में है, किसी के सेकेंड में है, तो जो भी उसके अनुसार है वो अपने सिलेबस के अनुसार इसको अकॉर्डिंग देख लें, और जो जो टॉपिक है इसमें कि किसी के पहले आ गया कोई टॉपिक, किसी के बाद में जाएगा, तो वो उसको टॉपिक को मिला के और उसके अनुसार अकॉर्डिंग उसको अपना एडजस्ट कर ले। ऐसा नहीं कि मेरा तीसरा है, मेरा चौथा है, वो अपने अनुसार वो सिलेबस को, यूनिवर्सिटी को निकाल के और प्रीवियस ईयर के पेपर को देख ले कि इसमें क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, वो चीज़ इसमें चेक करके देख लें। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अपने क्लास प्रोवाइड कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सभी को दोस्तों, जो भी दोस्त हैं एग्रीकल्चर की जैसे तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो उन सबको ये शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे क्या होगा, एक मोटिवेशन आएगा, जिससे आगे भी जैसे क्लासेस कंटिन्यू रहे और अपने को एक तरह से माइंडली जो अपन बोलते हैं वो हौसला बुलंद रहे, जिससे आगे हम क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।